नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर उज्ज्वल में। दोस्तों आज है 22 जनवरी और इतिहास का एक ऐसा दिन है आज जिसके लिए हम लोग आप कह सकते हो सालों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली दोस्तों हमारे अयोध्या में रामलला जो है, राम जी जो है वो आने वाले हैं और आज है प्राण प्रतिष्ठा और काफ़ी बड़े बड़े लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। ऐसे में एयरटेल वी और जियो की तरफ से काफ़ी तगड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। तो बताऊँगा इस वीडियो में क्या है अपडेट, जानने के लिए बनी रहेगा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अयोध्या में यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज के दिन भीड़ होने वाली है, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लोग वहाँ पर डाटा से कनेक्टेड रहेंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, कॉलिंग वगैरह करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों एयरटेल की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है, जहाँ पर एयरटेल ने दोस्तों यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट किया है और एयरटेल की तरफ से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट सामने आया है, जहाँ पर एयरटेल ने हमें बताया है कि एयरटेल ने आप कह सकते हो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है अयोध्या के अंदर जो सिटी के अंदर, उसको और इन्हेंस कर दिया है, उसको और नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं अयोध्या में। एयरटेल ने दोस्तों यहाँ पर जो कवरेज है, उनका नेटवर्क कवरेज है, उसको एक्सपेंड किया है हर जगह, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे आप कह सकते हो स्टेशन हो अयोध्या में, या बस स्टैंड हो, लैंडमार्क्स, होटल एंड अदर आप कह सकते हो की वेन्यूज जो है सिटी के अंदर। ऐसे में दोस्तों सिर्फ एयरटेल ने इतना ही नहीं किया, एयरटेल ने यहाँ पर सिर्फ सेल्स ऑन व्हील्स को भी जो है वो इंप्लीमेंट किया है, मतलब वहाँ पर हाई आप कह सकते हो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने आप कह सकते हो कार्स के ऊपर भी जो इनका ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होता है, लेड जो होता है, वो वहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो डिप्लॉयड किया है, मतलब आप कह सकते हो वहाँ पर जो है वो लगवाया है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों वहाँ पर इसलिए ये सब सिर्फ किया गया ताकि टेम्पल एरिया में, लॉकर रूम में, ये सब इसलिए किया है ताकि उनको जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो है वो अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकें, विजिटर्स को प्रोवाइड कर सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हो अलग अलग जगहों पर, जैसे कि अयोध्या धाम हो गया, अयोध्या कैंट एयरपोर्ट, कटरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पर तो बहुत ही अलग तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने अपने नेटवर्क को एक्सपेंड किया ताकि कहीं पर भी कॉल ड्रॉप्स या नेटवर्क की स्पीड की इशू देखने को ना मिले। इतना ही नहीं, एयरटेल ने दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो अपना जो वर्क फोर्स है, मतलब वहाँ पर आप कह सकते हो जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, उनको भी वहाँ पर जो है वो खड़ा करवाया है, मतलब वहाँ पर इंजीनियर्स को भी वहाँ पर जो है वो अवेलेबल रहेंगे ताकि वहाँ पर कोई भी इंटरप्शन जो है वो वॉइस के अंदर या डाटा सर्विस के अंदर अयोध्या में देखने को ना मिले, मतलब सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए सभी विजिटर्स को जो कि अयोध्या में आज रहेंगे उपस्थित इस राम आप कह सकते हो पावन उत्सव में, तो इन सबको यहाँ पर जो है वो एयरटेल बिल्कुल मेंटेन करके रखने वाला। और यही ठीक दोस्तों जो है वो वी ने भी किया है, वी ने भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया है अयोध्या के अंदर। अब अगर बात करते हैं जियो की, तो जियो का तो यहाँ पर नेटवर्क आपको पहले से ही स्ट्रांग देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अभी फ्री रिचार्ज मैसेज करके आप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए दोस्तों वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वो 749 का रिचार्ज फ्री में दे रहे हैं, तो वो एक फेक मैसेज। तो जितने भी जियो एयरटेल वी यूज़र्स हैं, अगर आपको ये मैसेज मिलता है तो बिलीव मत करिएगा। तो अगर आप आज अयोध्या में हो तो आपको बेहतरीन कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या आप अयोध्या जा रहे हो या अयोध्या में हो या अभी या नहीं हो, कमेंट में जय श्री राम दोस्तों आज लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना से रोजली क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।